नमस्कार दोस्तों, तैयारी ऑन यूट्यूब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित दो ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। तो ट्रिक्स नंबर वन, यहाँ पे क्या है कि कोई धन, ठीक है, कोई भी रकम अगर है, ठीक है, अगर उस पर आर परसेंट, यहाँ पर हम किस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो है चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक पर है, ठीक है। तो अगर कोई रकम है, उस रकम पर हम आर परसेंट वार्षिक, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, टी वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, एन गुना हो जाए, ठीक है, एन गुना, ठीक है, एन गुना हो जाए तो उसे हम कैसे दिखाएंगे फॉर्मूला से, तो एन बराबर वन प्लस आर बाई 100 का पावर में टी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एन गुना हो जाए, पांच गुना हो जाए, छह गुना हो जाए, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ए बराबर जो भी आपका मूलधन रहा होगा, ठीक है, वो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ए मतलब मिश्र धन, ठीक है, एन पी हो जाएगा, ठीक है। गुना हो जाए, छः गुना सात गुना हो जाए तो उसके लिए तो एन का है, ठीक है, लेकिन वो किसका जिक्र कर रहा है, मूलधन के सापेक्ष में गुना की बात कर रहा है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में क्या देखते हैं कि कितने प्रतिशत में, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में अपने का इतना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, इतना गुना हो जाएगा इस पर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में जानते हैं, क्या जानते हैं, एन बराबर वन प्लस आर बाई 100, ठीक है, यहाँ टी हो जाएगा, ठीक है, टी जो समय है वो उतना गुना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इतना गुना हो जा रहा है, 67/27 गुना हो जा रहा है, एन का मान लिख दिए, यहाँ वन प्लस, ठीक है, आर बाई 100 3 वर्ष में, यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है, पावर में 3 हो जाएगा, 3 साल के लिए, तो ठीक है, ए थ्री को इस ओर लाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस आर बाई 100 यहाँ रूट में 3 चल जाएगा, 67/64/27, ठीक है, तो यहाँ पर वन प्लस आर बाई 100 बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से 4 निकलेगा और यहाँ से 3 निकलेगा, ठीक है, तो आर बाई 100 बराबर क्या हो जाएगा, 4/3-1 यानी 1/3, ठीक है, तो आर बराबर क्या आया, 100/3, ठीक है। तो जब इसको हम लोग पूर्णांक बदलेगा तो क्या आएगा, 13.1/3%, ठीक है, तो आर बराबर 13.1/3% होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो वह कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा, 16 गुना, ठीक है। तो इसका ट्रिक है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर है, ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, तो टी वर्ष में अगर एन गुना हो जा रहा है तो एक्स टी वर्ष में कितना गुना होगा, तो एन का पावर में एक्स गुना हो जाएगा, ठीक है। टी वर्ष में अगर एन गुना हो जाता है तो एक्स टी वर्ष में एन का पावर में एक्स गुना हो जाएगा, मतलब जो टी के साथ जो एक्स फैक्टर यहाँ गुना हुआ है ये डायरेक्टली कहाँ चल जाएगा, एन का पावर में एक्स बन जाता है गुना होकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में दुगुना हो जा रहा, तो 2 गुना हो जा रहा, ठीक है। हमें बोला है कि 16 गुना कब होगा, तो 16 गुना, ठीक है, हमें कंपेरिजन इसके साथ करना होगा जनरल फॉर्म के साथ, तो यहाँ क्या लिखे, यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, ठीक है, तो यहाँ पावर में एक्स है, ठीक है, तो हमें इसका 2 है, तो इसको भी 2 का फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर में 4, 4 गुना लिख सकते हैं,
ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये जो चार जो फैक्टर है, चार इस नंबर से गुना कर देंगे ताकि आ जाए 4 गुना 3, मतलब उसे कितना साल लगेंगे, 12 वर्ष लगेंगे, ठीक है, 16 गुना होने में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह के ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।